दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख ਤਲਤ ਅਜੀਤੀ ਗੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बशीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया बेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण ने रिश साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कला कार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोणे ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम प्रेमि का काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख ਤਲਤ ਅਜੀਤ ਗੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਫਤੂਫ ਰਾਣਾ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ ही बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण है रिशभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज़र अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई ये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय अनिल संजीदा से शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को का एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटिंग के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है, हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवहेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण ने ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कला कार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटिंग के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया बेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है so, right so, right so, <Bellions> right आगे। आगे तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं चाहिए। तो करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस का प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ ही बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज़र अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तो पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला। जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजिता से के तलत अजीदी गीता अग्रवाल शर्मा आफतो राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी, भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कला कार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः पॉइंट दो की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजेक्ट कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अप अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया बेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबरॉय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाडरन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने है डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण ने रिषभ साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबर अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ ही बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कला कार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशने दीपिका पादुकोण ऋषभ साहनी करण सिंह आमिर नाइक अक्षय अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों तो ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटिंग के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ ही बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण है रिशभ ਸਾਹਨੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰੇ ਆਮੀਰ ਨਾਇਕ ਅਕਸ਼ੇ ਉਬਰੋਏ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੇਕੇ ਤਲਤ ਅਜੀਤ ਗੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸੂਤੋਸ ਰਾਣਾ आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज़र अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटिंग के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है। हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान है टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणामस्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की, की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी फाइटर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 25 जनवरी 2024 को रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी फाइटर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार आप जरूर इंजॉय कीजिएगा बात करें दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्धार्थ आनंद जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ऋतिक रोशन है दीपिका पादुकोण है रिश्ते साहनी करण सिंह ग्रोवरे आमिर नाइक अक्षय ओबर अनिल कपूर संजीदा शेख तलत अजीज गीता अग्रवाल शर्मा आशुतोष राणा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी की रेटिंग रिस्पॉन्स के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से छः की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 85 परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है बात करें अब अपन दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छियालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर हमने तो दोस्तों इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है आप भी दोस्तों इस मूवी को एक बार इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अजर अख्तर के नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन ने भारतीय वायुसेना के श्रीनगर वायुसेना स्टेशन बेस को निशाना बनाकर भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है ग्रुप कैप्टन राकेश रोखी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पेटी पठानिया मीनल मिन्नी राठौड़ सरताज ताज गिले बसीर बेस खान और सुखदीप सुखी सिंह शामिल है प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पेंटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है हालांकि पिछले मिशन में अपनी मंगेतर को खोने के बाद पेटी अपने अतीत से परेशान हैं। टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर अख्तर द्वारा आयोजित हमले के बारे में पता चला जवाब में भारतीय वायुसेना रो एजेंट जरीना बेगम के साथ बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाती है एक मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बेस पर जवाबी हमला किया रोकी के आदेशों के बावजूद पेटी ताज और बेस भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं ताज और बेस के विमान को पाकिस्तानी पायलटों ने मार गिराया जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया पेटी को आदेश की अवेलना करने के कारण एयर ड्रैगन से निलंबित कर दिया गया है और उसे हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में रखा गया है रोकी ने मिन्नी को बताया कि वे अपनी मंगेतर नेना जय सिंह और को पिछले बचाव अभियान में मरने देने के लिए पेटी के प्रति देश रखता है पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि वे ताज और बेस को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाएंगे हालांकि जब टीम उनके आने का इंतजार कर रही थी सुक्की ने पेटी को बताया कि बेस की अख्तर ने बेरेमी से हत्या कर दी थी और बुरी तरह से घायल ताज को कैद कर लिया है उसे बचाने के लिए दृढ़ संकलिप्त पेटी आदेशों की अवहेलना करती है दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत